इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। आप अल्लाह रसूल के बाद आप सबकी दुआएँ हैं। आज ईद का दिन है, ईद आप सबको मेरी तरफ से, अंजुम रसोई की तरफ से और अंजुम रसोई की फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ देखिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं आपको जो मैं वीडियो अपलोड करी थी, भेजा और गुर्दे मैरिनेशन कैसा करके रखते साफ़ करके डीप फ्रीज़र में, वो मेरी वीडियो है, दो तीन दिन पहले अपलोड करी थी मैं, आप उसको देखिए। और यहाँ देखिए मेरे को भेजे बनाना था ना, तो मैं रात में भेजे निकाल ली थी, एक पैकेट निकाल ली भेजों का, निकाले तो ये देखिए आप पूरे मेल्ट हो गए। इसके अंदर मसाला पूरा लगा हुआ है, इसमें नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, पुदीना, ये सब लगा हुआ है। अब पूरा कुक होने के लिए रेडी है ये भेजे। देखिए कितना आसान है, इसे अब रोटी भी डाल के खा सकते हैं आप। मैं आपको भेजों का बता रही हूँ क्योंकि वो वीडियो में डाली थी ना, आप लोगों को अच्छा समझ में आना बोल के फिर मैं ये भेजा फ्राई करके बता रही हूँ। देखिए गैस ऑन करिए, एक कढ़ाई चढ़ाइए और ये देखिए एक दो चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। मसाले के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता, मसाला नहीं रहा तो फिर नहीं खा सकते। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया। हमेशा मैं जैसा आप लोगों को बोलती हूँ ना, ऑयल गर्म हुआ बस से अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम डालते तो बाहर उछल के आता और स्टोव भी ख़राब होता और चेहरे पे भी उड़ता, हाथों पे भी उड़ता, तो वो नहीं उड़ने के लिए थोड़ा सा नमक डालिए। फर्स्ट तेल डाले, ऑयल लीजिए आप अपने हिसाब से, कुकिंग ऑयल कितना होना है आप अपने हिसाब से लीजिए। देखिए पांच से छह भेजे है, ये छह भेजों का मसाला डाल रही हूँ मैं। अदरक लहसुन हम ऑलरेडी भेजों में लगाए थे ना, मसाला मैरिनेट करके रखे ना, तो बिल्कुल आधा चम्मच दे। देखिए ये अदरक जिंजर गार्लिक अच्छा अच्छी तरह फ्राई हो गया, इसकी कच्ची स्मेल चले गई। यह हरा धनिया पुदीना है ये डाल देंगे इसमें और मसाले डालेंगे। नमक हम डाल दिए ना हाफ टी स्पून से कम, हल्दी टर्मरिक लेंगे, हल्दी और दो चम्मच रेड चिली पाउडर लेंगे, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तेज़ नहीं रहती, इससे कलर बहुत अच्छा आता, दो चम्मच लीजिए। और यहाँ देखिए आधा चम्मच वाइट क्यूमिन सीड्स, सफ़ेद जीरा डालिए और थोड़ा सा नमक हम थोड़ा सा डालेंगे भेजों के लिए। ये मसाला भी है, भेजे में भी नमक लगा हुआ है ना। देखिए ये मैं ऑयल इस तरह से ज़रा ज़्यादा डाली कि ये मसाला बनना, ये देखिए मैरिनेशन करके रखने का कितना फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप भेजे आराम से फ्राई हो गए और मेरे को टाइम भी कितना बच गया मेरा। अब इसको थोड़ा हम है सो कवर करेंगे, इसको अच्छा मसाले में मिला दीजिए। गैस की फ्लेम को लो रखिए, लो रख के पाँच मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे इसको। देखेंगे पांच मिनट हो गए, माशाल्लाह चटपटे मसालेदार भेजा फ्राई बनके तैयार है। देखिए माशाल्लाह, जो एक एक हिसाब से भेजा खाते ना उनके लिए अलग अलग भेजा है। देखिए भेजे को तोड़ना नहीं दी, एक एक भेजे एक एक आदमी खाना, क्योंकि ये क्या है, ये रेसिपी बहुत कम बनती, दुकानों पे मिलते नहीं, पहली बात तो ये आजकल नहीं मिल रहे। देखिए अंदर अंदर भी कुक हो गया, मैं बता रही थी, ये देखिए आप थोड़ा इसको हाफ ऑफ करेंगे ऐसा कुक हो जाता, इसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए
थोड़ा और कवर करके रखेंगे एक दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल। गरम है ये, देखेंगे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे चटपटे भेजे। थोड़ा ऑयल डालेंगे, मसाला ने तो बिल्कुल लपटे गया इसको। गरम गरम रोटी डाल के खाइए इंशाल्लाह ताला। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बन गए भेजे, बन गए। गैस ऑफ कर दे रही मैं, कितना जल्दी बन गए देखिए। मैरिनेट करके रखते ना हम भेजों को, ऐसा फ्रीज़र में रख दिए तो इसमें भेजे हमको हमेशा, कभी भी भेजा खाना दिल बोला तो आप डीप फ्रीज़र में से निकाल के आप इसको ऐसा आराम से रात में निकाल के बर्तन में रखिए पैकेट वो उसका भेजे का, वो सुबह तक जैसा मैं आपको पता ही मेल्ट हो जाता, फिर आप उसको ऐसा आसानी के साथ फ्राई कर ले सकते। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अंजुम रसोई में चटपटे मसालेदार भेजा फ्राई बनके तैयार है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक फिर से बोल रही हूँ। आज ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके घर में खुशियाँ अता करे सेहत के साथ, आमीन। चलिए इधर खाना पकड़ा, अल्लाह हाफिज़।